ये चलो जाए देखो ये क्या कर रहे हैं। देख रहा है आपका सामान नहीं है ना, है ना सोलर है ना। हाँ हाँ ला रहे सोलर का भाई, सोलर कोना क्यों गिरा रहा है बल्ब जला। ये देखे रात को 1 बज रहे, हम लाइट मैन की लाइफ पैकअप हुआ है, पूरा सामान लपेटा जा रहा है और अभी हमें यह सामान लपेटने के बाद वापस इसे उतार कर खाली भी करने जाना है। हमको जाने में कम अभी 1.5 से 2 घंटा लगेगा और हम हैं अभी रात को 1 बजे चांदीवली स्टूडियो साकिना का। इस मंदिर को देखिए, ये वही चांदीवली मंदिर है जिसे सजाया गया था पूरी डे नाइट लाइट से। पूरी लाइट को उतारा गया है, सारा का सारा लाइट इकट्ठा किया गया है। इसके बाद ये देखिए लाइटमैन क्या करते हैं, रात को 1 बज रहा है, सुबह वापस फिर 10 की शिफ्ट लगी है, हमें 9:30 बजे के अंदर वापस सेट पर पहुंचना है। अब हम कितने बजे सोएंगे, कितने घंटे सोएंगे पता नहीं। और जो होते हैं लोग बोलते हैं हम करते क्या है, हम तो बैठे रहते हैं, इतना सामान लगाने के बावजूद भी बोलते हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है। अब तक हमारा सामान लोड नहीं हुआ और ये रहा हमारा टेम्पो जिसमें हमारे इंचार्ज है संजय गुप्ता, वो देखिए हमारे साथ और भी बाकी दोस्त हैं जो सब सामान को लोड कर रहे हैं। इतनी बड़ी टेम्पो में इतना सामान भरने के बावजूद भी बहुत सामान बाहर पड़ा हुआ है और हमें आने जाने का कोई टाइम टेबल नहीं होता, इसलिए जहाँ तक हो सके आप लोग इस एपिसोड को देखिए और लाइक करें सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब आपके हाथ में है क्योंकि मेरा काम था बोलना, क्योंकि हर लोग यही बोलते हैं कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं भी बोलना चाहता हूं लेकिन बोलूंगा नहीं, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। देखिए डेकोरेशन वाले लोग, इनकी भी ज़िंदगी हमारी जैसी है, इनका भी कोई टाइम टेबल नहीं है। तो दोस्तों ये है हमारी लाइफ लाइन, हम लाइट मैन और ये देखिए इसे कहते हैं लाइट मैन की लाइफ। लाइटों से भरा टेम्पो, उसके बावजूद भी इतने लाइट होने के बाद भी लोगों को कम लगा रहते हैं, बोलते हैं हम सामान लगाते क्या है। लाइट खत्म हुआ, इतनी बड़ी टेम्पो को लोड होने के बावजूद भी बहुत सारा सामान हमारा बाहर पड़ा हुआ है जिसका भी कोई टाइम टेबल नहीं है और हमें पहुंचने में कम से कम 3 से 4 बजेंगे, 4-5 बजेंगे लमसम खाली करते करते, और वापस सुबह 10 की शिफ्ट लगाई गई है और रात को फिर वापस वैसी पैकअप करेंगे। आप बताइए हम कब सोते हैं और कब खाते हैं, इनका कोई टेंशन कोई नहीं लेता। तो दोस्तों मेरा नाम है गणेश जायसवाल और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे वीडियो को देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक हो सके हम जैसे लोगों को जो फिल्म लाइन में टेक्नीशियन काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी फैमिली में जब भी वो आदमी घर पे काम करके वापस आए तो प्लीज़ अपने घर का टेंशन अपने पास रखेगा। जब तक वो इंसान नहा धोकर खा पी के कुछ पल अच्छे से बैठ के सुकून से ना आराम कर ले तब तक प्लीज़ उसे कोई टेंशन ना दीजिएगा और ना ही उसे कोई परेशान करे। थैंक यू।